दोस्तों, बॉलीवुड की रंगीन दुनिया से बिल्कुल परी होती है उस दुनिया में काम करने वाले कलाकारों की जिंदगी। कई कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर तो बेहद खुश नजर आते हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी में वो उतने ही निराश और अकेले होते हैं। और आज की ये कहानी है उस अभिनेता की, जिसने 70 से 80 के दशक में अपने चेहरे की चमक और बोलती आंखों से करोड़ों दिलों की धड़कन बन हिंदी सिनेमा पर राज किया और अपने बेहतरीन अभिनय कौशल के चलते 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। भले ही वो मुख्य अभिनेता जैसे स्टारडम नहीं पा पाए हों, मगर उन्होंने अपने अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा में एक बेहद खास जगह बनाई है, जिसे भूल पाना नामुमकिन है। यूं तो वो अपने फिल्मी करियर के साथ अपने निजी जिंदगी में हुई 4 शादियों को लेकर भी काफ़ी चर्चा और विवाद में रहे। आए दिन उनकी निजी जिंदगी के किस्से अखबारों की हेडलाइन हुआ करते थे, लेकिन कम उम्र में हुई मौत से एक बार फिर लोगों के दिल में उनके लिए सहानुभूति जाग उठी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता विनोद मेहरा की, जो कि अपने दौर में अपनी फिल्मी करियर के साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में बने रहे। उन्होंने अपने करियर में हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें शारदा, ऐलान, उमर कैद, नागिन, जानी दुश्मन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। विनोद ने कभी भी फिल्मों में छोटे रोल्स करने से मना नहीं किया और अपने अभिनय के जरिए कई बार बेहद साधारण से रोल में भी जान फूंक दी। बता दें कि विनोद बचपन से ही फिल्मों में काम करने लगे थे और उन्होंने बचपन में ही अपनी सादगी भरे मासूम से चेहरे से लोगों के दिलों में अपनी एक विशेष जगह बना ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करने के बाद क्यों बड़े होकर विनोद एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे और दोबारा फिल्मों में कैसे लौटे? क्यों उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और क्यों उनकी तीसरी पत्नी को उनकी माँ ने धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था? क्या संबंध थे उनके फेमस अभिनेत्री रेखा जी से और कैसे हुई सिर्फ 45 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु? अरे रुकिए रुकिए, परेशान मत हो, अब इतने सवाल पूछे हैं तो जवाब भी आपको यही मिलेंगे, जिसके लिए आपको बस हमारी ये वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि हम आज आपको विनोद मेहरा के प्रारंभिक जीवन, करियर, निजी जीवन से जुड़ी तमाम वो बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो विनोद का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब स्थित अमृतसर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल सांताक्रूज में पूरी की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से स्नातक की पढ़ाई की। जब विनोद छोटे थे तब उनकी बड़ी बहन शारदा फिल्मों में सह कलाकार के रूप में काम करती थी, इसी वजह से विनोद को भी फिल्मों में आसानी से काम करने का मौका मिल गया। जब उन्हें पहली बार फिल्म रागिनी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला, उस वक्त विनोद सिर्फ 13 साल के थे और एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर ही उन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म के बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए और उन्होंने अपने बचपन में कई फिल्मों में काम भी किया, लेकिन बड़े होकर उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी करने लगे थे। सन 1965 की बात है जब उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने की सलाह दी, जिसमें देश भर के युवा पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस प्रतियोगिता के विनर के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक का सफ़र आसान हो जाता है। ऐसे में अपने कुछ दोस्तों की जिद पर विनोद मेहरा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के विनोद ने लगभग सभी राउंड जीत लिए थे, लेकिन फाइनल राउंड में अभिनेता राजेश खन्ना जी से हार गए और दूसरे नंबर पर आए। इस कंपटीशन से उन्हें फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफ़र आने लगे और जिसके बाद एक वयस्क के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1971 में अंग्रेजी नाटक ए गर्ल कॉल्ड रीटा पर आधारित एक स्मैश हिट फिल्म एक थी रीटा के साथ की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में वो मुख्य अभिनेता के किरदार में नजर आए और फिल्म में उनके अपोजिट तनुजा ने काम किया था। फिल्म एक थी रीटा के बाद उन्होंने बैक टू बैक कई फिल्मों में काम किया। इसी वर्ष वो सुशील मजूमदार की फिल्म लाल पत्थर में नजर आए, जिसमें उन्होंने राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी के साथ काम किया और अपने बेहतरीन अभिनय से एक बार फिर दर्शकों के दिलों में उतर गए। और साथ ही ऐलान फिल्म में अपने बेहतरीन अंदाज से उन्होंने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। निर्देशक रमन लाल की इस फिल्म में विनोद खन्ना, रेखा और मदनपुरी भी मौजूद रहे। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। 1972 में उन्होंने अनुराग और अमर प्रेम नामक दो फिल्मों में काम किया। फिल्म अनुराग में उन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के साथ पहली बार काम किया और जिसके बाद उन्हें आगे कई फिल्मों में मौसमी के साथ काम करने का मौका भी मिला। इसके अलावा फिल्म अमर प्रेम में मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनेता राजेश खन्ना नजर आए और विनोद ने सह अभिनेता का किरदार निभाया।
इसके अलावा फिल्म में शर्मिला टैगोर, सत्येंद्र कप्पू, मदन पुरी, सुजीत कुमार जैसे कलाकार शामिल रहे। हालांकि एक सच ये भी है कि विनोद को अपने टैलेंट के हिसाब से काम नहीं मिला। मुख्य अभिनेताओं के किरदार और अभिनेत्रियों से इश्क लड़ाने की वजह से इन्हें बी ग्रेड फिल्मों में ही काम करना पड़ा और बड़े निर्देशकों की फिल्मों में इन्हें ज़्यादातर सह अभिनेता के किरदार मिले, क्योंकि उस वक्त मल्टी स्टारर फिल्मों का ही दौर था और विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र के आगे इनका अभिनय थोड़ा फीका पड़ गया और ऐसे अब बेहतरीन कलाकारों के रहते उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में काम कम ही मिला। विनोद ने सन 1973 में दो फूल, आरोप, निर्दोष, 1974 में उजाला ही उजाला, शानदार, हवस, उस पार, 1975 में वरदान और रफ्तार जैसी फिल्मों में काम किया। 1976 की फिल्म नागिन उनके करियर की एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। ये फिल्म हिंदी भाषा की एक डरावनी फिल्म थी जिसका निर्देशन राजकुमार कोहली ने किया था। इस फिल्म में विनोद के साथ सुनील दत्त, रीना रॉय, जितेंद्र, फिरोज खान, संजय खान, मुमताज, कबीर बेदी जैसे कई बेहतरीन कलाकारों ने अभिनय किया था। साथ ही फिल्म के गाने भी हिट रहे और इसी वर्ष उन्होंने सबसे बड़ा रुपया और जिंदगी नाम की फिल्मों में काम किया है, जिसमें उनके अभिनय को दर्शकों द्वारा बेहद सराहा गया। साल 1977 में वो शक्ति सामंत की फिल्म अनुरोध में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने सिंपल कपाड़िया, अशोक कुमार, निरूपा रॉय और असरानी जैसे कलाकारों के साथ काम किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इस फिल्म में विनोद के किरदार को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया, जिसके बाद सन 1978 में वो साजन बिना सुहागन, स्वर्ग नर्क और घर नामक फिल्मों में नजर आए। फिल्म स्वर्ग नर्क में विनोद को संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। साथ ही फिल्म में मौसमी चटर्जी, शबाना आजमी, तनुजा और राज मेहरा जैसे कलाकारों ने भी काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। साथ ही इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच रहकर भी विनोद ने अपने किरदार की एक गहरी छाप छोड़ी, जिसे दर्शकों द्वारा बेहद सराहा गया। सन 1981 में विनोद ने सावन कुमार तक की फिल्म साजन की सहेली में काम किया। इस फिल्म में विनोद राजेंद्र कुमार, रेखा, नूतन, अनिल धवन जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए। फिल्म को मिलती जुलती समीक्षा मिली और फिल्म में राजेंद्र जैसे अभिनेता होने के बावजूद भी दर्शकों ने विनोद के काम को सराहा। इसके अलावा उन्होंने 80 के दशक में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें द बर्निंग ट्रेन, प्यासा सावन, सबूत, ज्योति बने ज्वाला, बेमिसाल, खुददार, नौकर बीबी का, कहानी एक चोर की, बिंदिया चमकेगी, हम इंतजार करेंगे, वर्दी, औलाद, प्यारी बहना, कर्तव्य, प्रेम प्रतिज्ञा, संजोग, प्यार की जीत, लाल पत्थर जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में विनोद ने काम तो किया, लेकिन फिल्मों की सारी लोकप्रियता फिल्म के मुख्य कलाकार बटोर कर ले गए, जैसे कि मोहन सहगल की फिल्म कर्तव्य का सारा श्रेय अभिनेत्री रेखा के हिस्से गया। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खुद्दार की कामयाबी का सारा श्रेय अमिताभ बच्चन जी ले गए। इसी प्रकार लाल पत्थर की सफलता का सारा श्रेय हेमा मालिनी के हिस्से गया। बॉलीवुड में मिली असफलता और निजी जिंदगी के कारण विनोद बेहद दुखी रहने लगे थे, इसलिए उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने का काम छोड़ दिया और निर्देशन की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। उन्होंने अभिनेता ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर गुरुदेव फिल्म का निर्देशन किया, लेकिन उस वक्त ये तीनों ही कलाकार उस दौर के बेहतरीन कलाकारों में से एक थे, जिसके कारण गुरुदेव फिल्म बनने में बहुत समय लग गया, क्योंकि तीनों ही कलाकार विनोद को फिल्म शूटिंग की सही डेट नहीं दे पा रहे थे। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तब विनोद इस फिल्म को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। बता दें कि ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई, लेकिन विनोद इससे पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। 1993 में ही उनकी प्रतीक्षा नामक फिल्म भी रिलीज हुई। इस फिल्म में जितेंद्र, गोविंदा, शिल्पा शिरोडकर और मौसमी चटर्जी जैसे कलाकारों ने अभिनय किया। ये फिल्म भी विनोद द्वारा निर्देशित थी, हालांकि वो इसकी सफलता नहीं देख सके। इसके अलावा सन 1994 में आई इंसानियत और 1996 की आतंक भी विनोद द्वारा निर्देशित फिल्में हैं। बात करें उनके परिवार की तो विनोद की मां का नाम कमला मेहरा था। इसके अलावा उनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा था। स्वतंत्रता के बाद विनोद अपने परिवार के साथ अमृतसर से मुंबई आ गए हैं, क्योंकि इनके पिता अपना बिजनेस मुंबई में स्थापित करना चाहते थे। इनकी बहन का नाम शारदा था, जो कि बॉलीवुड की पूर्व सह अभिनेत्री रह चुकी हैं। अब चलते हैं विनोद की निजी जिंदगी की ओर। तो जब विनोद का फिल्मी करियर शुरू हुआ ही था, तब उनकी मां को उनकी शादी की चिंता सताने लगी और विनोद भी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मां की चिंता को दूर करने के लिए अपनी मां की पसंद की लड़की मीना प्रोका से शादी कर ली। और उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा, लेकिन वो बच गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीना से शादी के कुछ समय बाद विनोद को अपनी फिल्म की हीरोइन बिंदिया गोस्वामी से प्यार हो गया। बता दें कि बिंदिया हिंदी फिल्मों की पूर्व अभिनेत्री हैं।
जिन्होंने 1970 के दशक के अंत से 1980 के दशक के शुरुआत तक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म जीवन ज्योति थी, जिसमें उन्होंने विजय अरोड़ा के साथ अभिनय किया। बिंदिया को विशेष रूप से टक्कर, चोर पुलिस, खुद्दार जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। बिंदिया के प्यार में पड़े विनोद अपनी पत्नी को धोखा देने लगे और बिंदिया के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि बिंदिया को पता था कि विनोद पहले से ही शादीशुदा हैं और इस बात से उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। दोनों ने इस प्यार को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क छिपाए नहीं छुपता, और ऐसा ही हुआ। दोनों के अफेयर की खबरें अखबारों के फ्रंट पेज पर छपने लगी और फिल्म मैगजीन की गॉसिप बनने लगी। लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब पता चला कि विनोद और बिंदिया 1980 में ही चुपके से शादी कर चुके हैं और होटल में साथ रहने लगे थे। हिंदी सिनेमा में ऐसी खबरें आग की तरह फैलती हैं और ये खबर भी बहुत तेजी से फैल गई। और जब कुछ समय बाद विनोद की पत्नी मीना को ये बात पता चली, तब उनके परिवार में हंगामा खड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप मीना के भाइयों का गुस्सा तमतमा उठा और उन्होंने बिंदिया को धमकी देना शुरू कर दिया कि वो विनोद को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बात करें मीना की, तो उन्हें विनोद का ये धोखा गवारा नहीं हुआ और उन्होंने आगे चलकर विनोद को डाइवोर्स दे दिया। बिंदिया और विनोद का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, मगर 80 के दशक के शुरुआती दौर में ही विनोद की निजी जिंदगी में चल रहे हंगामे की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लग गई थी और बिंदिया को मीना के भाइयों से मिली धमकी की वजह से वो बहुत डर गई थी। और इस बीच वो डायरेक्टर जेपी दत्ता के करीब आ गई और एक दिन विनोद को पता चला कि बिंदिया का अफेयर फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता से चल रहा है। उस वक्त विनोद तुरंत बिंदिया के पास गए और उन्होंने बिंदिया से कहा कि वो ऐसा ना करें। उन्होंने बिंदिया से बहुत मिन्नती की, लेकिन बिंदिया तो जेपी दत्ता के प्यार में पड़ गई थी। उन्होंने विनोद की एक नहीं सुनी और कुछ समय बाद बिंदिया ने खुद ही विनोद को डाइवोर्स देकर जेपी दत्ता से शादी कर ली। बिंदिया के चले जाने के बाद विनोद की जिंदगी बहुत वीरान हो गई। वो अकेले रह गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बिंदिया उन्हें छोड़कर इस तरह से चली जाएंगी, लेकिन विनोद के साथ वही हुआ जो उन्होंने अपनी पहली पत्नी मीना के साथ किया था। जिस तरह से विनोद ने बिंदिया के लिए अपनी पहली पत्नी मीना को धोखा देकर उन्हें छोड़ दिया, उसी तरह बिंदिया ने जेपी दत्ता के लिए विनोद को धोखा देकर उन्हें डाइवोर्स दे दिया। विनोद इस दुख से उभरे ही थे कि इस दौरान उनकी मुलाकात अभिनेत्री रेखा से हुई और कुछ समय बाद दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी हो गई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब विनोद रेखा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आए, तब उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और रेखा को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अचंभे की बात तो ये थी कि इस बीच विनोद चुपचाप खड़े रहे और ये सब देखते रहे। उन्होंने अपनी माँ को ऐसा करने से एक बार भी नहीं रोका और रेखा वहां से चुपचाप चली गई और पूरी रात अकेले एक होटल में गुजारी। कहा जाता है कि विनोद की मां को रेखा के अतीत के बारे में पता था। वो जानती थी कि रेखा बिन ब्याई मां की बेटी है, इसलिए उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया और इसी वजह से विनोद भी कुछ नहीं कर पाए और ये रिश्ता टूट गया। हालांकि रेखा और विनोद की शादी का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है और रेखा ने भी एक इंटरव्यू में अपनी शादी की खबर को महज एक अफवाह बताया था और विनोद को अपना शुभचिंतक बताया था। बात करें रेखा की, तो रेखा किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन बता दें कि हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं और उन्हें विशेष रूप से मिस्टर नटवरलाल, मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध, खूबसूरत, एक ही फूल जैसी कई सुपरहिट मूवीज के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार विनोद पर शादी का दबाव डालने के लिए रेखा ने कॉकरोच मारने की दवा भी खा ली थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हो गया था, लेकिन रेखा ने इस बात को मानने से भी साफ इनकार कर दिया था। रेखा के बाद विनोद की जिंदगी में किरण मेहरा आई और उन्होंने चौथी शादी साल 1988 में किरण से की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद के ससुर उनके और किरण की शादी के सख्त खिलाफ थे। इस बारे में बात करते हुए किरण ने खुद बताया था, मैंने विनोद में अपने पिता का रिफ्लेक्शन देखा है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पिता नहीं चाहते थे कि विनोद और मेरी शादी हो। मैंने अपने पापा को मनाते हुए कहा था कि मुझे विनोद पर पूरा भरोसा है, मगर पापा ने मुझसे कहा, अभी तुम केवल 23 साल की हो, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। शादी से एक दिन पहले मैं शादी से मुकर भी गई थी। मैंने अपना डर विनोद जी को बताया था, तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा था, तुम चिंता मत करो, तुम बस घबराई हुई हो, लेकिन बाद में सब सही हो गया था। किरण से शादी के बाद विनोद के दो बच्चे हुए। उनके बेटे का नाम रोहन और बेटी का नाम सोनिया है और ये दोनों ही अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। लेकिन अफसोस कि विनोद अपने बच्चों के साथ समय नहीं गुजार सके, क्योंकि किरण और विनोद की शादी के 2 साल बाद ही विनोद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और वो 45 साल की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किरण मेहरा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा
कि विनोद के आखिरी समय में रेखा भी उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने ये भी कहा कि रेखा उनकी दोस्त के जैसी है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी और विनोद की शादी भी अटेंड की थी और वो बिल्कुल हमारे परिवार के सदस्य की जैसी हैं। अब बात करें विनोद और किरण के बेटे रोहन की, तो रोहन का जन्म विनोद के मौत के 8 महीने बाद हुआ था, जिसके बाद किरण अपने बेटे और बेटी को लेकर केन्या चली गई। यही कारण है कि रोहन केन्या की राष्ट्रीयता रखते हैं। बता दें कि रोहन का जन्म 7 मई 1991 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। एक जाने माने अभिनेता विनोद मेहरा के बेटे होने के बावजूद रोहन ने किसी स्टार किड की लाइमलाइट साझा नहीं की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने केन्या में काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने पिता के अभिनय की लीक को आगे बढ़ाने का फैसला किया और वो 2012 में एक अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आए, जिसके बाद सन 2013 में रोहन ने एक लघु फिल्म आफ्टर वर्ड लिखी और निर्देशित की। इसके अलावा उन्हें 2015 में संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में असिस्ट करने का मौका भी मिला। रोहन गौरव के चावला द्वारा निर्देशित सन 2018 की फिल्म बाजार में सैफ अली खान के साथ नजर आए। साथ ही फिल्म में राधिका आप्टे, चित्रांगदा सिंह और डेंजिल स्मिथ भी दिखाई दिए। इस फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। रोहन का अफेयर अभिनेत्री तारा सुतारिया के साथ में था, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक सका और फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद तारा ने इस रिश्ते को वहीं खत्म कर दिया। अपने पिता विनोद मेहरा के बारे में बात करते हुए रोहन ने बताया था कि उन्हें अपने पापा पर गर्व है। रोहन का कहना है कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे अपने पिता का बेटा होने पर वास्तव में प्राउड है। मैंने दूसरों से जो सुना है वो वास्तव में एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने वास्तव में जी तोड़ मेहनत की और शायद उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इसके अलावा बात करें विनोद की बेटी सोनिया मेहरा की, तो वो भी एक अभिनेत्री रह चुकी हैं और विक्टोरिया नंबर 203 और रागनी MMS जैसी फिल्मों में दिखाई दी हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों में कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई और फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने कई शोज होस्ट किए, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं हुआ तो वो दुबई जाकर शिफ्ट हो गई और अब वो दुबई में योगा इंस्ट्रक्टर हैं। उनके पास दुबई की नागरिकता है और अब वो दुबई के एक बिजनेस एडवाइजर कुणाल सिंह से सगाई भी कर चुकी हैं। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीर भी सोशल नेटवर्क साइट पर शेयर करती रहती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगला वीडियो किस अभिनेता या अभिनेत्री के जीवन पर जानना पसंद करेंगे ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।